अजमेर नगर निगम चुनाव के मतदान के बाद अब भाजपा आलाकमान के निर्देशानुसार रणनीति बनाने में जुट गई है। आपसी गुटबंदी और जीतने वाले पार्षदों को एकजुट रखने के उद्देश्य से भाजपा ने अपने उम्मीदवारों को अभ्यास वर्ग के नाम पर बाड़े में बंद कर दिया है। अजमेर से जमा के उम्मीदवारों को कहां ले जाया जाएगा, फिलहाल इस बात का खुलासा नहीं किया गया है। कहते हैं राजनीति में नीति के विपरीत ही रणनीति होती है। शायद यही वजह है कि अजमेर नगर निगम में भारी बहुमत से जीत का दावा कर रही भाजपा चुनाव परिणाम आने से पहले ही उम्मीदवारों को बाड़े में बंद करने की रणनीति अमल में ला रही है। मंगलवार सुबह अचानक सभी उम्मीदवारों को 4 दिन के कपड़े और आवश्यक दवाएं और सामान लेकर महेश्वरी पब्लिक स्कूल पहुंचने का आदेश मिला। यह आदेश अजमेर नगर निगम का चुनाव लड़ने वाले सभी भाजपा उम्मीदवारों को दिए गए। अजमेर प्रभारी रामनारायण डूडी के अनुसार भाजपा की यह रणनीति हमेशा से रही है कि उम्मीदवारों को पार्टी की रीति नीतियों की जानकारी देने के लिए अभ्यास वर्ग का आयोजन किया जाए। राजस्थान नगर निकाय के चुनाव है और उसमें अजमेर का चुनाव है और हमारी ये परंपरा है कि कोई भी चुनाव हो, चाहे वो एमपी का हो चाहे एमएलए का हो और कोई पंचायत राज के चुनाव हो, हम हमारे कार्यकर्ता और मतलब जो चुन के आते हैं या जो हमारे प्रत्याशी हैं उनका हम एक प्रशिक्षण शिविर रखते हैं और उसके अंदर इनको बुलाया गया है ताकि आगे क्या करना है, पार्टी की रीति नीति से उनको अवगत कराना है और एक अनुशासन के हिसाब से रहने का भी हमारी जो मतलब पार्टी की जो गाइडलाइन है उनके अनुसार ये बातें की जाती। अभ्यास वर्ग के नाम पर उम्मीदवारों को शहर से बाहर ले जाकर प्रशिक्षण देना सिक्के का एक पहलू है। अजमेर के राजनीतिक हालातों पर नजर डालें तो सिक्के का दूसरा पहलू बताता है कि भाजपा आपसी गुटबंदी से डरी हुई है। अजमेर उत्तर और दक्षिण में बटी भाजपा के बीच मेयर पद को लेकर खींचतान चल रही है। अजमेर उत्तर के विधायक और अजमेर के प्रभारी मंत्री वासुदेव देवनानी अपने खास सिपे सालार पूर्व मेयर धर्मेंद्र गहलोत को इस पद पर देखना चाहते हैं, जबकि महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री अनीता बधेल पूर्व सभापति सुरेंद्र सिंह शेखावत के लिए लॉबिंग करने में जुटी हुई है। सूत्रों पर यकीन करें तो अजमेर उत्तर और दक्षिण की यही लड़ाई भाजपा को बाड़े बंदी पर मजबूर किए हुए हैं। यह अलग बात है कि डूडी इस गुटबंदी की बात से इनकार कर रहे हैं। देखे न तो ये क्वाइज किसी से जुड़ी हुई है, हमारे 60 प्रत्याशी है और 60 में से जो जीतेगा और उनकी राय के अनुसार ही निर्णय दिया जाएगा, ये लोकतंत्र के जो मतलब परंपरा है उसी अच्छा। ये राय के लिए ही साथों को नहीं नहीं ऐसी मतलब है, राय तो शुमारी की जाती है, तो कहने की क्या बात है, और उसके अनुसार ही मतलब जो है मेयर का चुनाव होगा। न तो उत्तर है न दक्षिण है, वो नगर निकाय अजमेर है, निगम है और निगम का चुनाव मेयर के लिए सभी जो हमारे प्रतिनिधि चुन के आएंगे उनके अनुसार। चुनाव नतीजे 20 अगस्त को आने हैं, इससे पहले भाजपा की इस कवायद ने अजमेर की राजनीति को गर्म कर दिया है। भाजपा की इस अंतरकलह पर कांग्रेस की भी निगाहें टिकी हैं। कांग्रेस को यकीन है कि यदि मुकाबला बराबर कर रहा तो अजमेर नगर निगम में वोट बनाने में भाजपा की गुटबंदी उसे निहाल कर सकती है। निकाय चुनाव की सरगर्मियां अभी थमी भी नहीं कि कॉलेज कैंपस में 26 अगस्त को होने वाले छात्र संघ चुनाव को लेकर राजनीति गरमाने लगी है। छात्र राजनीति में छात्राएं भी पीछे दिखाई नहीं दे रही। राजकीय कन्या महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव का आगाज मंगलवार को छात्राओं के पैनल में घोषित उम्मीदवारों के नाम के साथ हुआ। पैनल में अध्यक्ष पद के लिए संगीता मेघवाल, उपाध्यक्ष के लिए पूजा कुमावत, महासचिव सोनिया तोमर और सचिव के लिए दिव्या योगी के नाम शामिल किए गए हैं। पैनल ने अपनी चुनावी शुरुआत मंगलवार को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह से की। पैनल में शामिल छात्राओं ने कांग्रेस महिला शहर अध्यक्ष सबा खान के साथ ख्वाजा साहब की बारगाह में फूल चादर पेश कर जीत की दुआ मांगी। पैनल के साथ चुनाव सह प्रभारी प्रियंका सोनी, सोफिया कुरैशी सहित कई छात्राएं मौजूद थी। हम कॉलेज में जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्व करेंगे, जो भी जी जान लगाएंगे, एडी से चोटी तक का जोर लगा देंगे उसको पूरा करने में। और हमारे कॉलेज में जो 2 साल से वीपी आ रही है, जो उन्होंने कुछ नहीं किया, सारी लड़कियां यही बोल रही है कि कुछ नहीं किया 2 साल में, तो हम वो जो काम वो जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर पाई वो हम करेंगे। ये
छात्र संघ के आज चुनाव का आगाज हुआ है। ये जो यूजीसीए का पैनल है जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव और सचिव चारों के साथ समर्थक आए हैं और उन्होंने दरगाह की जियारत की है, मन्नत मांगी है जीत की। इसी के साथ बजरंगगढ़ स्थित मंदिर में भी इन्होंने मत्था टेका है और मन्नत मांगी है कि इनकी जीत हो। ये चाहती है कि दो साल से जो एबीवीपी आ रही थी उसमें इन लोगों ने देखी है बहुत ज्यादा अव्यवस्थाएं, उन लोगों ने कुछ नहीं किया। उसी के मद्देनजर ये सारी नई उम्मीदें और उमंगें लेकर के आई है कि ये कॉलेज के लिए कुछ करें और हमें लगता है कि जब ये जीत जाएंगी तो जो अव्यवस्था है कॉलेज में फैली हुई है उनको पूरी तरह दूर करेंगी, लोगों का दिल जीतेंगी। इसी तरह राजकीय सावित्री कन्या महाविद्यालय में छात्राओं में चुनाव को लेकर खासा उत्साह नजर आ रहा है। एबीवीपी और एनएसयूआई की घोषित प्रत्याशियों ने छात्राओं के बीच अपनी पैठ बनाना शुरू कर दिया है। विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से उम्मीदवार छात्राओं को उनका हितेशी बताने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। कॉलेज में मूलभूत सुविधाएं बेहतर बनाने और शिक्षकों की कमी चुनावी मुद्दे बने हुए हैं। काफ़ी समस्याएं थी लेकिन आते आते अब तो एक ही समस्या रह गई है, सिर्फ साफ सफाई की। वो भी मैं विश्वास है मुझे कि मेरे जो स्टाफ है वो अभी कम है लेकिन बहुत ही जल्द कॉलेज में एक भी समस्या नहीं दिखाई देगी। इलेक्शन से पहले पहले ये मैं विश्वास दिलाता हूँ।